जन्मदिन मुबारक। ये रिलीज करा दीजिए मीडिया में। राहुल जी ने पीएम से रिक्वेस्ट किया कि मनरेगा के काम बढ़ाए जाए, पीएम खुश हैं इस बात से। पीएम खुश है, इसका मतलब क्या है? पार्टी का सजेशन पीएम को पसंद है, आपको प्रॉब्लम है इससे कोई? प्रॉब्लम ये है कि यही बात सर ने 15 अगस्त को सारे देश से कही थी और रिपोर्टर्स साहब सुनते हैं, साहब लिखते हैं, साला याद भी रखते हैं। आप तो बहुत समझदार हैं, आप तो जानते ही होंगे। और कुछ काम हो पटेल साहब जरूर बताइएगा, लेकिन ये आप रख लीजिए। मॉर्निंग सर। संजय, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मनरेगा देश को मेरा बर्थडे प्रेजेंट है, ये SMS आपने भेजा, वो भी पत्रकारों को, एक्सप्रेस को। सर क्या मैंने कुछ गलत कहा? सर वो क्रेडिट कैसे ले सकते हैं? आप देश के PM हैं, रघुवंश प्रसाद जैसे मंत्रियों के काम का क्या? मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपने काम से मतलब है। और आपकी इमेज? मेरी इमेज सही रखने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत जरूरत है सर, दुनिया आपको देख रही है। अगर आपका क्रेडिट चोरी हो सकता है तो देश में सुरक्षित क्या है? संजय प्लीज डोंट बी ओवर ड्रामेटिक, उनको सारे क्रेडिट लेने दीजिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम कीजिए। आप मेरी स्पीचेस लिखिए, ये पब्लिक पोजीशनिंग, ये पब्लिक इमेज, इस सब के बारे में वक्त बर्बाद मत कीजिए। थैंक यू। सॉरी सर। एक बात और, प्लीज आइए। अखबार पढ़ते हैं आप? सॉरी सर। PMO चेयर की चिंता छोड़िए, अपनी चेयर की सोचिए। आज फिर आया है अखबार में पंजाब केसरी, आपको PMO से निकाला जा रहा है। 3 महीने पुरानी बात है सर। मैं सोचता हूँ आप एक बार मैडम से मिल लो। मैडम से क्यों सर? आप उनसे कहो कि अखबारों में आपके खिलाफ गलत आर्टिकल्स प्लांट किए जा रहे हैं, मैं खुद आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स करूंगा। सोच के बताता हूँ सर। ठीक है। बारू। नॉट नाउ यार, मैं बिजी हूँ। अरे 2 मिनट, MPs का कॉल आ रहा था, आपकी कंप्लेंट हो रही थी। आपने कुछ कोड दिया था क्या पेपर में? आपको MPs कॉल करते हैं क्या? यस, दिस इज द PMO, कोई भी कॉल कर सकता है। आप एक बार मैडम से मिल लो, आई फिक्स एन अपॉइंटमेंट, सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। पॉलिटिक्स में ना थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ब्लेसिंग्स लेनी पड़ती है। अनफॉर्चुनेटली मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, साला जर्नलिस्ट हूँ। वहाँ चमचागिरी के नहीं, जिद के मार्क्स मिलते हैं। वैसे नायर, आप नीचे जा रहे थे, मैं ऊपर जा रहा था।
एक बार फिर से सोच लो संजय। सर अब मैं और ये पॉलिटिकल गेम्स खेल नहीं सकता हूं। मैं रिजाइन नहीं करना चाहता। आर यू श्योर? आई एम सर। जिस काम के लिए आपने मुझे रखा है पार्टी वो मुझे करने नहीं देगी, और माफ कीजिएगा लेकिन आपको भी अपनी इमेज में कुछ खास इंटरेस्ट तो है नहीं। मैं अपने काम से जाना जाऊंगा संजय। ऑफिशियल रीजन क्या लिखा है अपने रेजिग्नेशन लेटर में? सर तन्वी का एडमिशन हो गया है यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में, तो मैं सोच रहा था कि आई टेक अ जॉब दिस स्कूल। मत जाओ संजय, अकॉर्डिंग टू मी इट इज अ फुलिश डिसीजन। आप इसे तो सीखा है सर, समटाइम्स इट इज वाइज टू बी फुलिश। मेरी स्पीचेस तो लिखोगे ना सिंगापुर से? आपके लिए मैं कुछ भी करूंगा। वन मोर थिंग, जाने से पहले एक जबकि तो देते जाओ करके। उठ गया? पानी लेंगे? Can you pass my glasses? कैसे हो संजय? रमा कैसी है? वो सब ठीक है सर, आपकी तबीयत कैसी है? मुझे हार्ट अटैक नहीं आया। It was just a preventive surgery. मेरी तीनों arteries ठीक है। I am fighting fit. सर 3 महीने में इलेक्शन है, आपकी जीत guaranteed है, और इस बार आप लोकसभा से लड़ेंगे। पार्टी की क्या राय है? सर सच सबको पता है, ये इलेक्शन राहुल गांधी के बस का नहीं है। पार्टी बहुत सेफ खेल रही है, हारेंगे तो आप हारेंगे, जीतेंगे तो वो। सिंगापुर कैसा है? बात मत टालिए। सब पूरा देश आपका फैन है। इस बार भी आप राज्यसभा से आएंगे ना, आपकी अथॉरिटी कम हो जाएगी। जो पार्टी चाहेगी वही होगा। आप अपनी हेल्थ पे फोकस कीजिए। चुनाव अभियान राहुल लीड करेगा।